आज की वीडियो हम सीखेंगे दोस्तों दीपावली स्पेशल पोस्टर एडिटिंग करना, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का हम पोस्टर बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि मैंने कैसे इसको एडिट किया, और साथ में जो इसमें PNG बैकग्राउंड मैं यूज़ करूँगा सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको इस पोस्टर को बनाने में आपको मदद के लिए आपको PLE फाइल भी दे दूँगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो अपने पिक्सल लैब ऐप को दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं और सीख लेते हैं दीपावली स्पेशल पोस्टर बनाना। सबसे पहले आपको दोस्तों पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने बाद आपको 3 डॉट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इमेज यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने बाद आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, जो भी बैकग्राउंड पर हम अपना पोस्टर बनाएंगे बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड सेलेक्ट हमारा होगा। अब हमें PNG इसमें ऐड करनी है, तो PNG ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ से हमें PNG ऐड कर लेनी है दीपावली वाले, ठीक है। और फिर इस बीच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और थोड़ा आगे स्क्रॉल करना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव साइज वाले, इसको फुल कर देना, यहाँ से ओके कर देना। लेयर वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ से सेव कर देना है, लॉक कर देना, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हमें दूसरी PNG ऐड करनी है, तो प्लस वाले ऑप्शन पर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ से दूसरी PNG हमें ऐड कर लेनी है इस तरह की, ठीक है। और वही सेम इसमें प्रोसेस रहेगी, इसकी रिलेटिव साइज को फुल कर देना यहाँ से, और यहाँ से लॉक कर देना, ठीक है। और अगले स्टेप में भी आपको प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। और शुभ दीपावली वाली PNG में ऐड करनी है, और इसकी भी रिलेटिव साइज हमें फुल कर देनी है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और लेयर वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ से लॉक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से जो ऊपर फुल जड़ी वाली PNG हमें ऐड कर लेनी है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसकी रिलेटिव साइज को फुल कर देना दोस्तों इस तरह से, ठीक है। जो मैंने इसमें PNG यूज़ कर रहा हूँ सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आपको डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। दो स्टेप में आपको पासवर्ड मिलेगा वीडियो में, तो देख लेना आपको। फिर अगले स्टेप में आपको प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और ये शुभ अच्छे वाली PNG को आपको ऐड कर लेना है सिंपल चीज तरह से, ठीक है। और फिर इसको रिलेटिव साइज को फुल कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो भी नाम वगैरह एड्रेस वगैरह इस पर आप लिख सकते हो, और अपनी फोटो को ऐड कर लेना। प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, फ्रॉम गैलरी वाले पर जाना है, और अपनी जो भी फोटो है उन फोटो को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना दोस्तों, ठीक है। मैं मेरी फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी जो भी फोटो XYZ, तो उस फोटो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आपको भी इस तरह से ऐड कर लेना दोस्तों, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपकी फोटो को यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर सेव वाले ऑप्शन जाना, यहाँ से आपको अल्ट्रा में यहाँ से सेव कर लेना, इस तरह से सेव टू गैलरी में सेव हो जाएगी। PLE फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आपको डाउनलोड कर लेना सभी चीज़ों को, और पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा 3 स्टेप में। और जिस वाले चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है।